राजस्थान के उदयपुर जिले के सूरजपुर थाना क्षेत्र में 20 से अधिक वाहनों को किया क्षतिग्रस्त, दो पक्षों के बीच हुआ जमकर विवाद, चली तलवारें। आपको बता दें, राजस्थान के उदयपुर जिले के सूरजपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते सोमवार रात्रि को बदमाश खांजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया। कॉलेज में आए बदमाशों ने क्षेत्र के घरों के बाहर खड़ी कम से कम 20 से अधिक वाहनों को नुकसान पहुंचाया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद युवक वहां से फरार हो गए, लेकिन कॉलेज वहीं छोड़कर भाग गए। पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है। एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने बताया कि रज्जाक नाम का एक हिस्ट्री शीटर का नाम सामने आया है। वहीं फैजल व नवीन के साथ ही दोनों पक्षों के युवक घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस में तलवारें और धारदार हथियार भी मिले हैं। दरअसल मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुट गई है। आखिर क्या है मामला, आप भी सुनिए। हाँ जी सर, क्या घटना हुई है? आज खांजीपुर क्षेत्र से ऐसी सूचना आई थी कि कोई 44 हरे रंग की गाड़ी है, उसमें कोई 5-6 युवक बैठे हैं और उसमें हथियार वगैरह वो भी थे, और वो वहाँ खांजीपुर क्षेत्र में बेतरतीब रूप से गाड़ी वहाँ पर खड़ी गाड़ियों से टकराई करी और काफ़ी लोगों की जान भी संकट में डाली, और ऐसे वहाँ अलामत भी है, काफ़ी गाड़ियों की रिकॉर्डिंग फ़ोटो वगैरह भी SHO मौके से लेके आए हैं। इस प्रकार की घटना पे वहाँ के जो लोग थे, वहाँ पे जो खड़े थे, और एक पक्ष जो इन पक्ष के पूर्व में बता रहे हैं कि एक दिन पहले इन पक्षों के बीच में आपस में झगड़ा भी हुआ था। ये बच्चे, ये लड़के जो थे, ये रज्जाक नाम का वहाँ पे जो HS है उसका बेटा और उसके साथी वगैरह थे, और इनका कोई अखलाक नाम के युवक के जो बेटा है उससे पूर्व में झगड़ा हुआ था, और इसी झगड़े के सिलसिले में वहाँ आए थे, और इसमें इन्होंने इस तरीके से लहराते हुए गाड़ी वगैरह चलाई, जिससे वो अखलाक वाला पक्ष और वहाँ के जो लोग थे वो एकत्रित हो गए और आक्रोशित होकर के उन्होंने गाड़ी के शीशे से तोड़ दिए, और इनमें जो भी युवक मौजूद थे उनके साथ मारपीट भी की है। जो युवक घायल हुए हैं, फैजल और नवीन नाम का लड़का जो इस गाड़ी में थे घायल हुए, वो हॉस्पिटल पे चले गए हैं, उनका इलाज करवाया जा रहा है। इसके अलावा इस पक्ष में 2-3 जने और भी थे जिनको भी इलाज के लिए ले जाया गया है, उसमें उनके भी चोटें आई हैं। इस 44 को मौके से हटा करके यहाँ थाने पे ले आया गया है। इस 44 से 2-3 तलवारें, सरिये, धारदार हथियार वगैरह इस गाड़ी में से मिले हैं, जिससे ये भी क्लियर होता है कि इनकी इरादे क्या थे। दोनों ही पक्षों से मुकदमा लेने की कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे ही मुकदमे देंगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, और जो भी आरोपी होंगे उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, कोई फायरिंग भी की उन्होंने क्या मौके पे? ऐसा सुनने में आया था, अभी वहाँ हमें कोई खाली राउंड या कोई गुजरी हुई उसकी पुष्टि हुई तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसी रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई हो जाएगी और पुलिस सभी पहलुओं पर जाँच कर लेगी। ठीक सर, थैंक यू।